दामाद जी, माँ की ममता न पाने की वजह से वो बहुत उदास रहती थी। एक बात की चिंता हमेशा खाए जाती थी मुझे कि मेरे बाद उसका क्या होगा। ये चिंता तब दूर हुई जब उसकी जिंदगी में तुम आए। अब मुझे कोई फिक्र नहीं। मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी को कोई ऐसा लड़का मिले जो उसे मुझसे भी कई गुना ज्यादा प्यार करे, और से तुम मिल गए। मुझे विश्वास है कि तुम उसका दिल कभी नहीं तोड़ोगे। मुझे तुम पर फक्र है, नाज है दामाद जी। अब बच के कहाँ जाएगा? शर्मिली, मैं यहाँ श्रुति के लिए आया था, पर पुल में गिरने के बाद मैं तुम्हारे प्यार में गिर गया। सोता हूँ तो तुम दिखती हो, सुबह उठता हूँ तो तुम दिखती हो, पर सनी ने जो मेरे साथ किया उसके बाद मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। जैसे तुम्हारे लिए लव मैरिज एक एम्बिशन था, वैसे मेरे लिए रिवेंज एम्बिशन है। पापा से कहो तुम सिर्फ सनी से शादी करना चाहती हो। ऐसा क्यों कहूँ? जरा समझो, सनी तुमसे बिल्कुल भी शादी करना नहीं चाहता। वो खुद अपने बनाए जाल में फंस जाएगा और फिर तुम्हारे पापा उसे नहीं छोड़ेंगे। तुम मेरा कहा मानोगी ना, वरना मैं मर जाऊंगा। और हमारी प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम जैसा कहोगे मैं करूंगी। क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि तुमसे श्रुति को कोई नहीं छीन सकता। अब देखा किस तरह तुम्हें बिना टच किए तुम्हारे प्यार की मैंने पुंगी बजा दी। कल तुम्हारी शादी है मुन्ना, तैयार रहो। ये क्या हो रहा है बेटा? शर्मिली से शादी करेगा तो श्रुति का क्या होगा? आंख मिचौली बहुत हुई, मैं सब जाके बलवंत को बता दूंगा। नहीं डैडी, अगर उसे पता चला तो हम सबको दफना देगा। तो तेरे पास कोई रास्ता है? शादी तो कल होकर ही रहेगी। भाई लगता है प्लान काम कर गया। नमस्ते भाई। अरे आप इतने मुरझाए हुए क्यों लग रहे हैं? अब तो हम रिश्तेदार हैं। अरे आप इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? अरे शादी के बाद यहीं सेटल हो। मालिक, मार्केट को किडनैप कर लिया गया है। Hey, शर्मिली कहाँ गई? ढूंढो उसे, जाओ। Hey, श्रुति कहाँ गई? ढूंढो। हाँ भाई, चलो ढूंढो उसे। भाई हमें वो कहीं नहीं मिली। मालिक, केशव का फोन है। बोल केशव। अबे बलवंत, अगर तू अपनी बेटी की शादी करवाना चाहता है तो यहाँ मैं यही बैठा हूँ। Hey, गाड़ियां निकालो। क्या रे, प्लान फ्लॉप हो गया तेरा? केशव बलवंत का दुश्मन है, और हाँ उसी ने ही श्रुति को किडनैप किया है। श्रुति अब तेरी है या मेरी है ये वक्त ही बताएगा। गाड़ी निकाल यार। देख मैं आ गया। आ जाए।
गया। तुमने उसे गायब होने दिया, अब हम गायब होते हैं। नहीं दामाजी, अब हट जाओ, इसने शर्मिली पे हाथ उठाए। क्यों रोका बेटा? माना कि इसने मुझे धोखा दिया, लेकिन इससे मैंने तो सच्चा प्यार किया। भवानी तेरे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा, जानती है कितना बड़ा गुंडा है वो। तो हम कौन से शरीफ हैं? अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ उससे ही। लेकिन अब मैं दामाद जी को कैसे समझाऊं? दामाद जी जरा साइड में होगे। लेकिन बात क्या है? अरे पहले आओ तो सही, आओ आओ। दामाद जी, अगर मैं श्रुति पर अन्याय करूंगा तो भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। आखिर हुआ क्या? शर्मिली, शर्मिली अब भवानी से शादी करना चाहती है। भवानी से? दिमाग खसक गया है क्या तुम्हारा? मेरी शादी की खबर सुनकर मेरे गांव जवाब दूंगा। डैडी आप इन्हें समझाइए ना। वो कुछ नहीं, शर्मिली मेरी ही होगी। ऐसी जिद ना कर, मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकता। एक बाप की मजबूरी समझ, उसके बदले तू जो चाहेगा मैं दूंगा। ठीक है, अब उस दिन आपके कहने पर मैंने श्रुति का साथ छोड़ा था, और आज आप ही के कहने पर शर्मिली को। तेरा शुक्रिया कैसे अदा करूं? पर मेरा भी तो सोचना यार। मैंने तुम दोनों को जुदा किया था, मैं ही तुम दोनों को मिला दूंगा। बेटा बेटा, श्रुति जैसी लड़की तुझे कहीं नहीं मिलेगी। बेटा बेटा, हाँ कह देना बेटा। सिर्फ तेरे लिए। क्या बात है सुन कमरीलाल। क्या हुआ? सनी शादी के लिए मान गया। किससे? और किससे? श्रुति से। आपको अच्छी तरह चूना लगा गया, इसमें कुछ नया क्या है? कुछ भी हो मानना पड़ेगा, लड़के में दम तो है। सनी बेटा। हाँ बोलिए। तुमने बड़ा नेक काम किया है मेरी बेटी की शादी करवा के। चल मांग, जो मांगना है मांग ले। जो मांगू वो मिलेगा? हाँ मांग के तो देख। किशोर भाई। बेटा ये तो। अब सुनिए, इन्हें 1 फीट जमीन दे दीजिए। इन्हें तो मैं 6 फीट में गाड़ूंगा। 1 मिनट, अभी अभी आपने वादा किया है। अरे मैंने हाँ कहा है, लेकिन ना नहीं कर सकते। मैंने अपने बेटे से वादा किया है, इसलिए 1 फुट जमीन तेरी। जा। बाबा, मैं जीत गया। मैं ये केस जीत गया। आपकी इच्छा पूरी हुई, आपकी इच्छा पूरी। सचमुच? पापा, अगर आप भी मुझे 10 दिन का टाइम देते हैं। इससे 10 दिन गोली मार दूंगा। जीते रहो, जीते रहो, भगवान तुम्हें खुश रखे। अरे अरे, मेरे क्यों?
क्योंकि मुझसे भी बड़ा विलेन तो तू है। चल सनी को थैंक्स बोल। थैंक्स। सुनिए ना, मुझे तो लगता है कि श्रुति ना कहेगी। बेटा तू अब तक मेरे टैलेंट को पूरी तरह नहीं जानता। अपने टाइम पे मैं भी रोमियो था, लड़की को पटाना जानता। अच्छा? सुनो बेटा श्रुति, मैं तुमसे ये कह रहा था कि कुछ नहीं सुनना है मुझे। कल उसने आपकी जायदाद के लिए मुझे छोड़ दिया था, कल को कोई और आएगी तो ये फिर से पलट जाएगा। नहीं बेटा, सनी तुमसे बहुत प्यार करता है। मुझे उस पर भरोसा नहीं है। तुम्हें सच्चाई पता नहीं है, उसने जो कुछ भी किया सब ड्रामा था। 10 दिन का टाइम उसने सिर्फ भवानी और शर्मिली को मिलाने के लिए मांगा था, ताकि वो तुम्हें पा सके। क्यों बेटे? हाँ एकदम सही है। अब क्या कहती हो? आप इतना फोर्स कर रहे हैं तो आज के बाद से मेरी 2 बेटियां हैं और 2 दामाद हैं। 2 बिछड़े हुए प्रेमियों को क्या आइडिया करके मिला है? जीजा जी कोई साधारण आदमी नहीं। हमारा सनी भी किसी से कम नहीं। ईस्ट हो या वेस्ट, हमारा सनी है सबसे बेस्ट।